अ बेंड इन द रिवर इंडस वाटर ट्रीटी मस्ट फोकस एंड रिकॉग्नाइज शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज। तो क्वेश्चन इसमें उठता है कि इंडस वाटर ट्रीटी आप साइन किए 1960 में, हेडेड बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आईसीजे, बीआरएस, बियास रवि सतलज, इंडिया के पास जाता है मोस्टली, आईसीजे, इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये मोस्टली पाकिस्तान के पास जाता है। तो इसमें बात होता है कि मोस्ट फोकस ऑन इनलार्जिंग शेयर्ड वल्नरेबिलिटी। तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ है उसमें कमेटी है वो बात करे कि दोनों का प्रॉब्लम है, विद रिगार्डिंग फ्लड, विद रिगार्डिंग हीट वेव, विद रिगार्डिंग फैमीन, और अगर किशनगंगा प्रोजेक्ट करते हैं, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप जो फ्लड कंट्रोल है, ई वाटर, ई फ्लो मेंटेन होना चाहिए, वो क्या हो सकेगा? इरिगेशन एंड कल्टीवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द कंट्री, पंजाब वाले वहां पर भी, इंडिया में, हरियाणा, पंजाब और वाले एरिया भी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों के तरफ में एक कोलेबरेशन हो, और दोनों एक दूसरे के जो एक नीड्स है और वर्नेबिलिटी है उसको रखें बात, तभी जाके दोनों के बीच में पीस आ सकता है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वाटर क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है स्लोली, ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एक क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान बोलते हैं इंडिया का अगेंस्ट में कि वो वाटर टेररिज्म कर, लेकिन इंडिया बात करते हैं कि आप वाटर को ओवरऑल हाई रिपेरियन स्टेट है और वाटर के हिसाब से आपको मिले, मेरे को भी जरूरत है, क्योंकि तो पंजाब और हरियाणा में जो क्राइसिस होता है, एक कैनाल का SYL कैनाल है, उसके बीच में जो एक हमेशा से एक रहता है क्लैश, वो भी कम हो सकेगा अगर ज्यादा वाटर एक्स्ट्रा करेंगे। तो एक क्वेश्चन उठता है पॉलिटिक्स ऑफ अपर वर्सेस लोअर राइपेरियन, ये इंडिया पाकिस्तान साथ नहीं, इंडिया चाइना हिसाब से भी है। इन्वायरमेंटल फ्लो, बेसिक इन्वायरमेंटल फ्लो होना चाहिए, ये चैलेंज हो गया, मतलब बेसिक वाटर लेवल इतना होना चाहिए टू सस्टेन द एक एक्वाटिक सिस्टम, सपोर्ट ह्यूमन कल्चर वेलबींग सोसाइटी। इन्वायरमेंटल हार्म कम होना चाहिए। तो बोथ द कंट्री शुड अंडरस्टैंड ईच अदर पर्सपेक्टिव ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन प्रेशर एंड नीड इन द एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन सिस्टम। उसमें क्या हो सकता है, रियल टाइम डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, इवेल्यूशन ऑफ वाटर क्वालिटी कर सकते हैं, साथ में आप थर्ड पार्टी को भी इनरोल कर सकते हैं ताकि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिल सके, और तभी जा करके री इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडो इंडो पाकिस्तान रिलेशन। और अभी बोल सकते हैं कि डिस्पाइट वॉर, 3 बार लड़ाई कर चुके हैं, लेकिन इंडिया हैज नॉट ब्रोकन द प्रॉमिस ऑफ 1960 इंडियन वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। दिस शोकेसेस द हायर एथिकल स्टैंडर्ड अपहोल्डेड बाई इंडिया इवन ड्यूरिंग वॉर टाइम क्राइसिस। तो वियना कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन, तो कन्वेंशन है ओवरऑल, कंट्री को फॉलो भी नहीं करते हैं। रशिया यूक्रेन में, रशिया ब्लॉक कर रहा था यूक्रेन के व्हीट सप्लाई, स्लैश एंड बर्न कर रहे थे अप्रोच, स्लैश एंड बर्न वो एक तरह से दे वर डिस्ट्रॉइंग देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उस पर भी अटैक कर रहे थे, अर्बन एरियाज में अटैक कर रहे थे, उनके जो ग्रेनरी पे अटैक कर रहे थे, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हो रहा था, लेकिन इंडिया वाटर सिक्योरिटी पे कभी नहीं क्वेश्चन उठाया। दिस शोकेसेस कि इंडिया इज अ मॉरल और आने वाले समय लीडिंग पावर, दैट कैन बी लीडिंग पावर। क्वेश्चन है उसी कि 1960 में ट्रीटी साइन हुई थी, बट तब के चैलेंजेस अलग थे। बट आज इंडिया अगर अपने इंटरेस्ट को देखे, नीड्स को देखे, पंजाब या हरियाणा, तो बेसिकली क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम इसमें देखते हैं जुडिशियल, इसमें क्या कह क्या सकते यहाँ हैं कि पे भी जो संभावना है? इसमें कह सकते हैं कि आप सही बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ते जा रहा है, नीड्स बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और फिर आपका एग्रीकल्चर के अंदर में जो वाटर रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया कैन स्लोली एक्सट्रैक्ट वाटर, पूरा वॉयलेट नहीं कह सकते ट्रीटी, लेकिन स्लोली आप बात करके बोल सकते हैं कि इस समय में, इस हो सकता है पहला 6 मंथ में उनको ज्यादा मिले और बाकी 6 मंथ में उनको ज्यादा मिले, जब हम लोग का खरीफ सीजन पूरा होता है तब वाटर का जरूरत थोड़ा कम होता है, तब आप पूरा कम कर रहता है, सकते रवि हो, हो बजट सकता है होती है। पहला। अच्छा, लेकिन अगर इंडिया फॉलो अगर नहीं करें ट्रीटी, तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज ऑल्सो अ लोअर रिपेरियन स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, तब इंडिया का, चाइना इंडिया जैसे, कैसे बोले मॉरल ऑब्लिगेशन कैसे देगा चाइना को कि भाई तुम भी करो, जब तक खुद नहीं करेंगे
और एक इंश्योर नहीं करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो आप कैसे बोल सकते हो चाइना को? वो भी तो बना रहे हैं ना से, तो फिर आप क्या मुंह से जाएंगे, आप आईसीजे के पास जाएंगे? अब फिर एक होता है ना कि मॉरल स्टैंड होता है, मॉरल स्टैंड नहीं ले पाएंगे ना फिर। इसलिए सबसे अच्छा है कि डेटा शेयरिंग इंपॉर्टेंट है दोनों को, कैसे वाटर को मैनेजमेंट करना चाहिए अपने यहाँ, कि ग्राउंड वाटर बस खोल दिया कैनाल और पानी बहते जा रहा है, पूरा फील्ड पे पानी बहते रहता है लगातार लगातार अगर खेत में जाएंगे तो। वो एक चैलेंजेस होता है वहां पर भी ऐसी है। तो मैनेजमेंट ऑफ फ्लड वाटर तो नेक्स्ट में आएगा। मैनेजमेंट ऑफ फ्लड वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आरबीआई बात करते हैं कि वोलेटिलिटी इन द फूड सब जगह, राइस वीट सब में होता है, कोर इन्फ्लेशन जिसमें फूड एंड फ्यूल नहीं रहता हेडलाइन में होता है, तो क्यों होता है ऐसा? तो अलग अलग एरियाज कारण होता है, क्लाइमेट वाटर एंड पैंडेमिक कारण भी होता है, स्पाइक होता है। तो फूड फॉर रेनी डे, फ्लड नहीं फूड। तो अब इसमें बात कर सकते हैं कि जब फूड रेनी डे होता है उसमें ओवरऑल क्रॉप फेलियर के कारण हो सकता है, फ्लडिंग बढ़ जाता है, उसके कारण जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ग्राइस है वो इम्पैक्ट होता है। कभी जब रेनी डे नहीं होता है, इरेटिक रेनफॉल होता है, उसमें और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वोलेटिलिटी में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहता है, इसके कारण कोर इन्फ्लेशन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन इन पे इम्पैक्ट पड़ता है हर एक। तो इसमें क्या होता है, एंटी फार्मर मेजर सच एज बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट लिमिट, इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट ऑन प्राइवेट ट्रेडर्स प्रोसेसर, इसको कम करना चाहिए। लेकिन साथ में साथ ये भी देखना चाहिए कि कंज्यूमर सेंटर भी है, कंज्यूमर तो बोलेंगे ना कि हमें इतना टैक्स देते हैं और लास्ट में इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो सरकार को एक दोनों तरफ वोटिंग ब्लॉक भी है और दोनों तरफ उनका एक इंटरेस्ट भी है कि कंज्यूमर बायस भी होना चाहिए, कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए और फार्मा सेंट्रिक होना चाहिए। तो कंज्यूमर सेंट्रिक के लिए ईसीए है, प्राइस कंट्रोल है, और फार्मा सेंट्रिक के लिए एमएसपी है और डीबीटी है, सब्सिडीज है, यूरिया सब्सिडी है, वाटर सब्सिडीज है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, तो फार्मा सेंट्रिक हो गया, इंश्योरेंस भी है इसमें। क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज ड्रॉप इन FY24 एज फोर टॉप इंश्योर कट एक्सपोजर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बात करते हैं, इसमें डिक्लाइन हुआ है एरियाज में। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एक है, फिर न्यू इंडिया अश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस SBI जनरल, हर जगह रिड्यूस हुआ है क्रॉप इंश्योरेंस। ऐसा क्यों कि इसमें बात किया है कि कंपलसरी किया गया किसान क्रेडिट कार्ड, नॉन लोनी को वॉलंटियर दिया गया ओवरऑल। प्रीमियम कम हुआ इसलिए कारण हो सकता है। और इंश्योरेंस सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, पब्लिक सेक्टर दे रहा है सबसे ज्यादा इंश्योरेंस को, हीट वेव फ्लड एंड सीजनल रेनफॉल एक्सेट्रा। खरीफ और रबी के लिए अलग है, 1.5% फॉर रबी, 2% फॉर खरीफ, 5% फॉर हॉर्टिकल्चर है प्रीमियम। एक ऐप के थ्रू है, उसमें आप जाकर आप कर सकते हो, उसका नाम है वेलफेयर एड ऐप, EID। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैड हाईएस्ट शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। गुजरात में कम हुआ है एग्जाम्पल देखा जाए तो, कर्नाटक में भी कम हुआ है, इसका मतलब वो फॉर्मुलेशन वहां ज्यादा हो रहा है, यहाँ फॉर्मुलेशन नहीं। नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस हो गया, या बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है इसमें, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। पीएम वे टू मॉस्को विल सी डिस्कशन ऑन एनर्जी एंड ट्रेड, तो अभी नाटो का समिट होने वाला है वॉशिंगटन में, तो इससे हिसाब से भी कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम के विजिट मॉस्को को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए,
न्यूक्लियर टॉक, डिफेंस टॉक, डेवलपमेंट, वो जॉइंट डेवलपमेंट इन फार ईस्ट ऑफ रशिया, आर्टिक में बात हो सकता है रशिया के साथ, फिर मल्टीपोलैरिटी की बात होता है, एससीओ में बात होता है, ब्रिक्स में बात होता है, डीलॉरेशन का बात होता है, फिर एनर्जी सिक्योरिटी का बात होता है, सैंक्शन के ऊपर लग रहे कैसे उसको ईज करें वो बात होता है, INSTC कॉरिडोर का बात होता है, फार ईस्ट बात करेंगे, ट्रेड इम्बैलेंसेस इंडियन इन रशियन आर्मी अमंग की कंसर्न डायस्पोरा, डायस्पोरा का कंसर्न है कि ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट बहुत कम, प्लस डायस्पोरा है लेकिन 30,000 इंडियंस दे आर स्टडिंग इंडिया, लेकिन कुछ कुछ देखा गया है कि इंडियंस आर वर्किंग एज अ मशीनरी फॉर रशियन आर्मी, रशियन आर्मी बोल रही कि इतना पैसा मिलेगा आप जाके लड़े, $30,000 मिलेगा वो साल भर में, मल्टीप्लाई कर रूबल में, 30-40,000 रूबल नहीं डॉलर था तो करीब 24-25 लाख हो गए, तो बहुत उनको लगता है कि अच्छा तो एक क्वेश्चन उठेगा उनको। रेड एक फ्लैग उसके रेस्ट हो, क्वेश्चन जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो ये मॉस्को विजिट है, इसमें वेस्ट किस तरह से इसे देखेगा, एंड सेकंड जो चाइना और रशिया क्लोज आ रहे हैं, क्या उसको टैकल करने की डायरेक्शन में भी इसे देखा जा सकता रशिया है, चाइना एंड जो क्लोज आ रहे हैं लेकिन रशिया को पता है कि अगर वो ज्यादा क्लोज आएंगे चाइना के अंदर जाके जा करके, क्योंकि चाइना दोस्ती नहीं कभी बढ़ाता है हाथ, चाइना हमेशा डोमिनेट करने की बात करता है, उसके साथ कभी भी इक्वल पार्टनर पर दोस्ती नहीं हो सकता, उसके हमेशा ज्वाइंट पार्टनर दोस्ती होगा, तो रशिया कैन नॉट बिकम अ ज्वाइंट पार्टनर बिकॉज इट हैज ओन हेरिटेज, उनके पास प्राइड है, सोवियत यूनियन थे वो, उनके पास रशियन एम्पायर था, जारिस्ट एम्पायर था, वन ऑफ द लीडर, तो वो जूनियर पार्टनर नहीं बन सकते, इसलिए वो हेज करना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट में इंडिया के साथ, तो वो उनका भी है कि चाइना से दोस्ती करो ऐसे इंडिया दोस्ती करे यूएस के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद ऑटोनोमी रहो, रशिया का भी वही है इंडिया का भी वही है यूएस के साथ, तो इसलिए इंडिया और रशिया चाइना यहाँ पर, इंडिया और रशिया अलायंस यहाँ पर रोल प्ले करता है, बेस्ट इसको देखिएगा ना कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स, तो आर्टिकल आएगा फिर से कि आएगा एंटी इंडिया आर्टिकल्स आएगा, वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड पावर है वो जानते हैं कि इंडिया क्या रोल है, जो न्यूज़पेपर में आता है वो डिफरेंट होता है, जो थिंक टैंक में बात होता है वो डिफरेंट होता है, सरकार के अंदर बात होता है वो डिफरेंट होता है, तीनों डिफरेंट होता है। इसको इस तरह से भी नहीं देखा जा सकता कि मल्टीपोलर हम देखते हैं, कि यूएस की साइड है वेस्ट की, एक तरफ रशिया एंड चाइना दिखते हैं, बट एक तरफ इंडिया की लीडरशिप भी दिखती है, जो कि ग्लोबल साउथ को एक न्यूट्रल पक्ष को दिखाता है, दोनों के साथ लेकर चलो। हाँ लेकिन वेस्ट को नहीं दिखता ना, वेस्ट को हमेशा बाइनरी में दिखता है, या तो आपके साथ उसके साथ या मेरे साथ, ये इंडिया है सोचता है ना, आप सोचते हो ऐसा, वो नहीं सोचता, वहां पर हमेशा होता है कि विक्ट्री ओवर ईवल, एक जीतना चाहिए हम, एक गलत है, गलत सही का वो ज्यादा वहां पर डाइवर्जन पॉइंट, इंडिया में ऐसा नहीं, हम लोग फिलोसफी में ऐसा नहीं, इसलिए हम लोग सोच में ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ में चार्वाका फिलोसफी है, मटेरियलिज्म, हम लोग यहाँ बुद्धिज्म भी है जो वेदास को मानते भी नहीं है, तो आपका ब्राह्मणिज्म होगा, वेदा को मानते भी हैं, उपनिषद होगा, तो माइंडसेट में ही आपका मल्टीपोलैरिटी है, तो आपका स्ट्रैटेजी में ओके मल्टीपोलैरिटी होगी, वहां पर ऐसा नहीं है, सही गलत वहां ज्यादा होता है, एक तरह से बाइनरी में खेलते हैं। रेड फ्लैग रेस्ड ओवर रनवे, रन अवे सिल्वर इम्पोर्ट फ्रॉम यूएई थ्रू गिफ्ट सिटी, तो ओरिजिन रिक्वायरमेंट बात हो रहा है, DGFT से बात कर रहे हैं, इंडिया इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर कितना $10.7 बिलियन है, 87% ऑफ इंडिया गोल्ड सिल्वर इम्पोर्ट कम फ्रॉम दुबई, 87% ऑफ इंडिया ग्लोबल सिल्वर इम्पोर्ट कम्स फ्रॉम दुबई एट अ रिड्यूस्ड 8% ड्यूटी और गिफ्ट सिटी में होता है। अच्छा है इसमें न्यूटर, सीपा में क्या हुआ था, इंडिया साइन 0% इम्पोर्ट ड्यूटी 10 ईयर्स के लिए, ऑल सिल्वर विल बी लाइकली फ्रॉम यूएई रिजल्टिंग ए रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ 6,700 करोड़, और इसमें इंडिया ही देंगे ओवरऑल,
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है इसमें, हो रहा है कि आप 0% दुबई से है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कोई और कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हो और दिखा रहे हो दुबई से, तो सरकार दे रहा है आपको, तो जो परसेंटेज बीच का है ना वो पॉकेट में रख लो जो हो सकता है। इसलिए दे आर टॉकिंग अबाउट रूल्स ऑफ ओरिजिन कंडीशन होना चाहिए इस पे, कहाँ से इम्पोर्ट आ रहा है ये इम्पैक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फैमिली टाइज, लो अराउंड का लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का बात कर लिए, एक एम के रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको लिख लेना चाहिए, राइट टू लाइफ इक्वालिटी। कैसे कह सकते हैं, लॉ टू इन्फॉर्म डेवलपमेंटल चॉइसेस, ट्रेड ऑफ होता है लेकिन आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ईच टेलर सोल्यूशन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए मस्ट ऑन क्लाइमेट डायरेक्शन, लो कार्बन यूसेज इंसेंटिव मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन ऐसा होना चाहिए, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया वैसे लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन होना चाहिए, जो हर एक स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को बोले कि कैसे आप अचीव कर सकते हो रेजिलियंस। तो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है वैसे इंडिपेंडेंट लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन का होगा रिकमेंडेशन, प्लस लॉ बनना चाहिए जिसमें बात हो रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑन लो कार्बन डायरेक्शन। वल्नरेबिलिटी कमिटी जो होते हैं उनको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, क्लाइमेट गवर्नेंस का बात होता हो, क्लाइमेट कैबिनेट का बात होता हो, जैसे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर में अलग अलग ग्रुपिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ऐसे कैबिनेट कमेटी ऑन क्लाइमेट हो सकता है, तो ये लिख लें दो। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में अलग अलग एरियाज में हम लोग कैसे एमिशन कम कर सकते हैं, वाटर हेल्थ सॉइल में, तो लॉ होना चाहिए सब नेशनल गवर्नमेंट में सो दैट लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन कर सके। सेकंड, फाइनेंस प्रमोट करना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के थ्रू या आप ओवरऑल इंसेंटिव दे करके, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, गोल स्टेट स्पेसिफिक सॉल्यूशन उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑन डेलिब्रेटिव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो बोला है कि जो कोर्ट है ना ये सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट है, लॉज है, आप बस बता दिए कि हाँ ये राइट है, तो क्या राइट ग्राउंड पे एस्टैब्लिश हो जाएगा? नहीं, एस्टैब्लिश होने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। कैसे कर सकता है, इंसेंटिव के थ्रू, लॉस के थ्रू और ओवरऑल फाइनेंशियल मॉरल लॉ, मॉरल मॉरल इक्विवेलेंट मॉरल डिस्कशन के थ्रू होगा, इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा या लॉस पिनलाइजेशन होगा लॉस के थ्रू, तभी हो सकता है। जेस्कियन विक्ट्री मॉडरेट प्लान होल्ड आउट होप्स फॉर ईरान एंड रीजन, एक रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट मसूद रेजिकियन वो ऑन द सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग बिकेम द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुआ था, मसूद रेजिकियन, मसूद रेजिकियन। अब जो अनलाइक इस प्रेसिडेंट रईसी एंड इलेक्टोरल राइवल सईद, उनके हार्डलाइन पॉलिसीज था विद रिगार्डिंग टू शरिया, विद रिगार्डिंग टू हिजाब एक्सेट्रा, लेकिन रेजिकियन थे ये थोड़े से अर्बन वोटर को क्रेटर करते थे, और ओवरऑल इनका जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी रहा है। उसे क्या होगा, ओवरऑल रिफॉर्म होम में होगा, इंगेजमेंट इन द वर्ल्ड विद, बट वो हो सकता है एक तरह से। ईरान इज वेरी बिकम पोटेंशियल टू बिकम अ स्विंग स्टेट ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट में बिटवीन यूएस यूरोप और साइनो रशिया, तो ईरान जिसके पास जाएगा उनके पास गैस नेचुरल रिजर्व्स और एक पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर कंट्री ईरान उनके पास जाएगा, तो एक चैलेंज।
हाई टेम्परेचर कॉजेज ओकेशनल स्पाइक इन एयर पोल्यूशन समर के अंदर में स्टडी फाइंड आउट किया, PM 2.5, PM 10, VOC, नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ऐसा बढ़ जाता है जब हीट हाई टेम्परेचर होता है तो इट रिएक्ट्स। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बढ़ जाता है। सुभजीत रॉय इनका आर्टिकल है जिसमें इम्पोर्टेंट की वर्ड है फर्स्ट बायलैटरल विजिट आफ्टर सोइंग स्वर्न, पहले 2019 में हुआ था और 2014 में हुआ था। हर बार जब जीतते हैं तो हर बार जाते हैं, नहीं मतलब कि हर बार जीतते हैं तो हमेशा पहला कंट्री पर जाते हैं। तो भूटान गए थे 14 में, 19 में मालदीव, श्रीलंका गए, इस बार इटली गए, लेकिन वो G7 के लिए था, बायलैटरल मीटिंग नहीं था, वो बायलैटरल के लिए रशिया में पहली बार गए। अभी वॉशिंगटन DC नाटो में हो रहा है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर एंटी रशिया मिलिट्री अलायंस के लिए बात हो रहा है, लेकिन इंडिया बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, इसलिए मल्टीपोलैरिटी की बात करने के लिए इंडिया बात करता है रशिया के साथ। डिफेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंटरेस्ट है ज्वाइंट R&D, को डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर, AK-203, T-90, Sukhoi-300, S-400, विक्रमादित्य में रोल है, एयरक्राफ्ट हो गया, मिग हो गया, फिर सुखोई हो गया, MiG-29, सुखोई एयर टू सरफेस मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस हो गया, न्यूक्लियर सबमरीन एक हम लोग लिए थे वहां से वो हो गया, फिर रूपपुर बांग्लादेश के अंदर हम लोग ज्वाइंट न्यूक्लियर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सिविल न्यूक्लियर, उसके बारे में बात होता है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, ट्रेड की बात, लेकिन ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया क्योंकि हम लोग एनर्जी मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रशिया है, साथ ही से मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर, प्रेशियस मेटल, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब रशिया पर डिपेंडेंट है। इंडिया इज एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया सेवरल टर्म में, पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ इंडिया बात करता है थ्रू डिप्लोमेसी, और दोनों पर बात होगा, मोदी आई ऑन वेस्ट एंड चाइना दोनों पर बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात होगा। कोर कोर्स करेक्शन क्या होगा कि इंडिया चाइना, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप बढ़े ताकि चाइना को हेज कर सके। तो अभी तक मैं 10 बार कॉल हो चुके हैं 2021 से, आर्टिक वाइल्ड फायर आर बैड न्यूज फॉर वर्ल्ड। आर्टिक वाइल्ड फायर भी बोरियल फॉरेस्ट जिसमें ट्रीलेस रीजन होता है ऐसे दिखते हैं बोरियल फॉरेस्ट, थोड़ा पर्च कॉनिफेरस और मिक्स रहते हैं बोरियल वगैरह, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूख जा रहे हैं और आर्टिक वाइल्ड फायर बढ़ जा रहे हैं 1.1 डिग्री बढ़ने से, थंडर स्ट्रॉम के कारण। दूसरे कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रीजनल परमा फ्रॉस्ट, जो सॉइल फ्रॉस्ट रहते हो वो परमा फ्रॉस्ट हो गए, और कार्बन स्टोर सबसे ज्यादा है बोरियल फॉरेस्ट में, 1.7 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन इनके पास, मीथेन CO2 51 टाइम्स उतना रिलीज हो सकता है। डेनिसो गए PT में पूछा भी था कि वो डेनिसो ने है क्या, एक कजन है नियंत्रण का, अब देखा है कि या खाइना को हन करते थे तिब्बत में, फूड बिजनेस के ऊपर में FSSAI का रोल है, और दूसरा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो कर्नाटक का स्पेसिफिक स्टेट वाइज है उनका रोल है, उन्होंने डायरेक्ट किया कि अलग अलग कलरिंग एजेंट का यूज किया जा रहा था, ब्रिलियंट ब्लू, रोडामाइन बी, पूछ सकते हैं टार्जेराइन, सनसेट येलो, इससे कैंसर कॉजिंग, डायबिटीज हो सकता है, खतरा है, इसको बंद करो, अनसेफ फूड आइटम के लिए, अलग अलग के लिए, सैंपल के लिए भेजा गया, दे वर बुक्ड इन द फूड सेफ्टी एक्ट, इतना पेनल्टी है, 7 ईयर प्रिजन भी है। तो रादर देन टेकिंग अ प्रिवेंटिव स्टेप जो कंप्लेन ना तब बोल दे रहे थे, बाइडेन रिफ्यूजेस टू बज, क्वेश्चन उठ रहा था कि बाइडेन जो है उनका हेल्थ ऐसा है कि वो
प्रेसिडेंट रेस से विड्रॉ कर लेंगे, कोई और आ जाएगा। लेकिन वो बोले कि नहीं मैं हेल्दी हूँ। तो पहले भी हो चुका है सर, रिचर्ड निक्सन हो गया, लिंडन जॉनसन हो गया। AFI लुकिंग टू शेक अप द स्टेटस ऑफ इंडियन एथलीट। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI, कैसे हम मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं ओलंपिक में, और ओलंपिक में मेडल जीत के कैसे लगा ला सकते हैं। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, इसमें इक्विपमेंट दिया जाएगा, कोचिंग फैसिलिटी दिया जाएगा, ए टू ई, ए को ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियस बात है, सबका स्किल, आपके कॉम्पिटेंसी, आप कितने मेडल जीते उसके हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। इसको आर्टिकल लिख लेना, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, एकोमोडेशन, कोचिंग फैसिलिटी, सब चीज़ दिया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस यूज किया जाएगा। वंस 130 से 120 के आसपास हो सकता है सिर्फ इवेंट एथलीट, उसके हिसाब से 700 नेशनल लेवल पर होना चाहिए एथलीट। सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टैब्लिश कर सके, ग्रेडिंग कर सके, ऑल ओवर सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर अक्रॉस द कंट्री, मैनेज्ड बाय आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, प्राइवेट बॉडी, रिलायंस, JSW, आर्मी, सब कोई हेल्प कर सकते हैं इसको स्टैब्लिश करने में। फिर क्राइटेरिया ए टू ई स्टैब्लिश किया जाएगा हर एक सेंटर्स को, उसके हिसाब से भेजा जाएगा अलग अलग चीफ कोच, फूड एक्सेट्रा, बेटर कोचेस दिया जाएगा। मेंशनिंग द कोच विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी एथलीट और एवरी कॉम्पिटिशन, फ्रीडम टू ट्रेन एज दे लाइक, कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। वी विल गेट यू आफ्टर, वी विल ट्रैकिंग यू, मॉनिटर करेंगे। कैलेंडर का रिवैम्प करेंगे अलग अलग एरिया में, बिग इवेंट से लेकर। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। AFI का रोल होगा कि मोर एंड मोर इक्विटेबल बेसिस पर आप देंगे, ए टू ई, कॉम्पिटिशन के हिसाब से, मेरिट बेस के हिसाब से, जो नोजिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मेरिट के हिसाब से। उसके बाद फिर आप इक्विटेबल लिया है, रॉस इक्विटेबिलिटी, आप जहाँ पीछे हैं वहां पर फोकस करेंगे। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कंपैसेट कंपैट कैपिटलिज्म हो गया, एथिकल गवर्नेंस का हो गया, कैप की गिविंग बैक टू सोसाइटी, CSR फंडिंग इसमें आ सकता है, सेंट्रलाइज नेशनल कैंप का हट करके अब अलग रीजन, रीजनल इवेंट फोकस करेंगे, हर एक रीजन के अंदर स्पेसिफिक कैंप होगा, ए टू ई ग्रेडिंग होगा, उसको क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, कोच मुहैया करा सकते हैं, दे सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। एक्सपेंशन पावर इन पार्लियामेंट, किसके पास होता है, हर चीज पर चर्चा हुआ, और क्रिटिकल ऑफ RSS, मोदी रिमार्क्स ऑन PM, BJP को एक्सपंज, एक्सपंज कौन करते हैं, तो ये स्पीकर पास पावर होता है। आर्टिकल 105 में बात हुआ है कि इट इज प्रोविजन टू कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स, कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए फ्रीडम है, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, लेकिन क्या रिकॉर्ड होना चाहिए ये डिसाइड करेंगे स्पीकर। हो सकता है कि डिफेमेटरी, इनडिसेंट होगा, इनडिसेंट, अनपार्लियामेंट्री, अनडिफाइंड होगा, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। लोकसभा सेक्रेटरी एक लिस्ट बनाता है जिसमें अलग अलग लिखा रहता है, तो हर बार लिस्ट अपडेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक डैश 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 कुछ हुआ है तो उसमें नहीं है तो ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और एक्सपेंड जब हो जाएगा तो मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर सकती वो चीज़ को, अगर करेगी, अगर करेगी तो ओवरऑल उसके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस लगेगा। कुछ भी हो सकता है, अगर एक नेशनल इंटरेस्ट पर नहीं है, डेट्रीमेंटल टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन है, डेरोगेटरी लैंग्वेज है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, तो अलग एरिया हो सकता है, इसके अंदर पावर मिलता है। तो रूल्स जरूरत नहीं है 260 के आसपास, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इसके अंदर में स्पीकर और चेयरमैन का पावर है, और रिमूव कर सकते हैं। रूल 261 हो गया, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं। केरला 4 ईयर अनग्रेजुएट प्रोग्राम,
अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटेशनल लिटरेसी, डेटा एनालिटिक्स स्किल जो इम्पोर्टेंट नॉलेज इकोनॉमी में, उनको हेल्प करने के लिए केरला प्रोग्राम ने ये काम कर रहे। क्रिएट कोर्स रहेगा इसमें, केरला हायर एजुकेशन सर्कुलर फ्रेमवर्क, डिस्टेंस लर्निंग हाइब्रिड सब में काम कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर बैट मेकर ऑन बैक फूट, बैट मेकर यहाँ बैट बनता है, संगम फैसिलिटी, T20 ऐसे में भी। और बैट जो आता है ना, आई थिंक ये यूके से आता है, यूके के जो ट्री होते हैं वहां से आता है। और ये भी होता है, हाँ यूके से भी आता है, और दूसरा कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी आता है बैट बनाने के लिए। कश्मीर इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रिकेट बैट आफ्टर यूके, 3 मिलियन बैट। तो विलो क्लेफ्ट पूछ सकते हैं, विलो क्लेफ्ट ट्री है उसी कारण उससे बनता है। तो इसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं इसमें भी, अकॉर्डिंग टू ICCI स्टैंडर्ड के अनुसार बैट बनता है। कश्मीरी बैट शॉर्टेज है, होते जा रहे धीरे धीरे। इसमें GI टैग का बात कर सकते हैं, कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोग 1,50,000 क्राफ्टमैन वर्कर काम करते हैं, 70% कहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। आई थिंक वी आर फिनिश्ड, थैंक यू एवरीवन। We will take up next set of articles for in-depth discussion according to the syllabus of UPSC due to Hindu and Sarkar.